जय किसान साथियों, मैं रवि आज़ाद। एक ज़रूरी मैसेज है कल के लिए, यानी कि 16 मई के लिए। और जो आंदोलन के चलते मुख्यमंत्री सहित पूरे हरियाणा सरकार के जो कार्यक्रमों का बाइकाट और बहिष्कार चल रहा, उसके तहत कल 16 मई को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम है, और हम उस कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और जैसा आंदोलन का ऐलान है, मजबूत डंडे के साथ और बड़े झंडे के साथ, और मुख्यमंत्री को एक खुली चेतावनी के साथ कि हिसार आने की गलती मत करना, अन्यथा वापिस नहीं जाने देंगे मुख्यमंत्री को। और मेरी सभी किसान भाइयों से और सभी युवा साथियों से, मेरी माताओं बहनों से ये अपील है कि कल जो हिसार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उसका विरोध करेंगे, उसका बाइकाट करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और हजारों की संख्या में हिसार के जो रामायणा टोल प्लाजा है, वहाँ पर सुबह 9 बजे इकट्ठा होंगे। क्योंकि साथियों, जैसी सूचना मिली है, जींद के दोनों टोलों से बहुत बड़ी संख्या में आंदोलनकारी आएंगे, इधर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से और इधर भिवानी जिले से, और हिसार के चारों टोल बहुत ताकत के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने में लगे हुए हैं। मेरी सबसे ये अपील और प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी, हमारे किसान भाई, माताएं, बहनें सुबह 9 बजे रामायणा टोल प्लाजा, जो मैयर टोल प्लाजा है, वहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे हों, मजबूत डंडे और बड़े झंडे के साथ। और हिसार जिले के जो तीनों टोल प्लाजा और बचे हैं, वहाँ पे भी सुबह 8 बजे से बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू हो। और जो मैयर टोल प्लाजा, जो रामायणा टोल प्लाजा की कमेटी से जो भी निर्देश सबको मिलते जाएं, उनको फॉलो करें। और ये जो आसपास के जिले के, जैसे भिवानी के, जींद के, फतेहाबाद के, और भी जो युवा भाई हैं, हमारे किसान साथी हैं, वो भी बड़ी संख्या में मैयर टोल प्लाजा पे इकट्ठे हों, और वहाँ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का, खट्टर के कल के हिसार के कार्यक्रम का विरोध करने की पूरी रणनीति बनेगी। और किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का कल का हिसार का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। इस वीडियो को भी शेयर करें, और तैयारियां बहुत जोरदार चल रही हैं, और ताकत के साथ तैयारियां करें, और मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का काम करें, मुख्यमंत्री को उसकी औकात बताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।